हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको एसएल रॉस की बुक से चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कराऊंगी। दिस चैप्टर इज़ ऑन सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आज हम ऑपरेटर मेथड सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ ऑपरेटर मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों देखो, इसी में ही समझा दूंगी आपको क्वेश्चन के अंदर ही डायरेक्ट। एक बारी पहले मैं आपको सिस्टम का मीनिंग बता दूँ। देखो बेटा, जितना आपने आज तक सिस्टम ऑफ इक्वेशन वर्ड सुना होगा, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सुना होगा ना। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है? आप देखो, आपने 11 ट्वेल्थ में जब भी सीखा होगा, आपने इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी। 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7, कोई भी मैं एग्जाम्पल लिख के दे रही हूँ आपको, ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। अगर मैं एक ही इक्वेशन लेती ये ऊपर वाली, तो ये सिर्फ इक्वेशन थी। मैंने एक से ज़्यादा इक्वेशन ले ली और इन सब का सॉल्यूशन आपसे मांगा कि मतलब मुझे एक्स वाई जेड की वो वैल्यू दो विच विल सेटिस्फाई ऑल दीज थ्री इक्वेशंस, देन दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं और उन सब का कॉमन सॉल्यूशन मुझे निकालना है विच विल सेटिस्फाई ऑल दीज थ्री इक्वेशंस, देन दैट बिकम्स अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और अब मेरे पास क्या वर्ड आ गया? सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। मतलब अब जो सिस्टम है, मतलब मोर देन वन। अब आपको इस चैप्टर में एक से ज्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे अब डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है, मान लीजिए एक है मेरी 2dx/dt प्लस 2dy/dt माइनस 3y इक्वल टू से कुछ भी लिख दिया t, ठीक है। तो ये अब क्यों है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें सबका कनेक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। लीनियर ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की हैं ये, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिखाई दे रहा है। और दूसरा, लीनियर इसलिए क्योंकि उनकी पावर जो है वो 1 है, ठीक है ना। लीनियर मतलब डिग्री, ठीक है, तो डिग्री इसकी 1 है। अब बट मुझे तो सिस्टम बनाना है, सिस्टम बनाना है तो मेरे पास दो कम से कम इक्वेशन जरूर होनी चाहिए। दो से ज्यादा भी हो जाए तो भी चलेगी, ठीक है। तो मैंने सपोज ये ले लिया, ठीक है, तो ये एक और डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे इसका एक कॉमन सॉल्यूशन दे दो, ठीक है। इसका कॉमन सॉल्यूशन यानी कि इसका एक जनरल सॉल्यूशन दे दो। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसा निकलना चाहिए, खुद ये इस बात सोचिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। आप देख रहे हो dx/dt है, तो जो ऊपर लिखा होता है वो डिपेंडेंट होता है, तो x डिपेंडेंट हो गया। अब देखो dy/dt भी दिख रहा है, तो y भी डिपेंडेंट हो गया। तो फिर इंडिपेंडेंट कौन है? t, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब दो इक्वेशन हैं और दो अननोन्स हैं। अननोन कौन होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरे पास x और y दो अननोन्स आ गए, और दो जिनको मैं डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रही हूँ, ठीक है, और दो ही इक्वेशन है। तो दो इक्वेशंस हैं आपके पास और दो अननोन्स है, तो आप इन्हें सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इनका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा ना, वो x इक्वल टू समथिंग और y इक्वल टू समथिंग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने चाहिए आपके पास? क्योंकि आपके पास एक्स और वाई दो हैं ये, तो दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपके पास आएंगे, ठीक है। जितने आपके पास वेरिएबल होंगे उतने ही आपके पास कांस्टेंट आएंगे, तो यानी कि C1 C2 दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट के अंदर आपका आंसर निकलना चाहिए। तो सब बच्चों को बात समझ आ गई कि सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मीनिंग है, कि अब क्वेश्चन इस तरीके के आपको दिखाई देंगे जिसमें दो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। अगर दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके अंदर आपको इसको सॉल्व करना है। और मान लीजिए अगर ये ऐसे हो जाता d2x/dt2, मान लीजिए d2y/dt2 नीचे भी ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो ये अभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, बट ये ऑर्डर 2 आ गया क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 आ गया। बट लीनियर ये अभी भी है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या जितने भी डेरिवेटिव्स है सबकी पावर 1 है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल सी कि आज इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है।
ऑल राइट क्लास, सो लेट अस स्टार्ट. बच्चों देखो जरा, यूज ऑपरेटर मेथड टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. एक दो मेथड है आपके सिलेबस में जो है ऑपरेटर मेथड ही है. ये सेक्शन 7.1 है आपका एसएल रॉस की बुक का. तो ऑपरेटर मेथड का इस्तेमाल करके आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस क्वेश्चन का. ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा. ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कि आपको दो इक्वेशन दी हुई है, मोर देन वन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, दूसरा इसमें एक्स और वाई ऊपर की तरफ लिखे हुए, डी एक्स डी वाई, तो जो ऊपर होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो नीचे है वो इंडिपेंडेंट. तो टी इंडिपेंडेंट हो गया, एक्स और वाई दोनों मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए. तो इसे मुझे सॉल्व करना है. क्लियर? तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए ऑपरेटर मेथड का इस्तेमाल करना है. तो ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर क्या होगा, देखो मैं एक बारी साइड में आपको समझा दूं जरा. ये देखो, एक बार एक क्वेश्चन अच्छे से सीख लोगे तो आगे का सारा कुछ आप चैप्टर बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगा. ये देखो, -2x -4y और डी एक्स वाई डी टी प्लस डी वाई वाई डी टी माइनस वाई इक्वल टू ई 4t. तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. सबसे पहले ऑपरेटर बनाएं, हमारे को डी वाई डी टी ऑपरेटर होगा, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो पोर्शन है ना, ये वाला, जैसे आप डी एक्स वाई डी टी लिख रहे हो तो डी वाई डी टी, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन पोर्शन तो यही है ना. तो हमारा डी ऑपरेटर हो गया डी वाई डी टी. तो मेरी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, देखो डी वाई डी टी की जगह डी लिख दिया तो डी एक्स प्लस डी वाई डी टी की जगह फिर से डी लिखा तो डी वाई माइनस 2x -4y इक्वल टू ई टू दी पावर टी. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. एक्स के कोफिशेंट इकट्ठे किए, वाई के कोफिशेंट इकट्ठे किए, इक्वल टू ई टी. तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई. ऐसे ये वाली इक्वेशन देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो डी एक्स डी वाई डी टी की जगह फिर से डी लिख लिया माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर 4t. तो ये क्या बन गई, डी एक्स प्लस डी माइनस 1y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 4t. तो हम इसे क्या लिख देंगे, यहाँ पे x के नीचे x वाली टर्म और y के नीचे y वाली टर्म. ठीक है बेटा, अब समझ लीजिए ये दो इक्वेशंस आपको मिली हुई हैं. अब इन दोनों को सॉल्व करना है. तो बिल्कुल जैसे आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन एलिमिनेशन रूल से सॉल्व करते थे, बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको एलिमिनेशन रूल से सॉल्व कर देंगे. तो देखिए ये है 1, ये है इक्वेशन नंबर 2. तो एलिमिनेशन रूल क्या कहता है, सपोज मैं वाई को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, तो वाई का जो भी कोफिशियंट होगा, ये वाला जो वाई का कोफिशियंट है सेकंड इक्वेशन में, उसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो. तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी इक्वेशन नंबर 1 को तो डी माइनस 1 से. ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर 2 को किससे करूंगी, ऊपर वाले के कोफिशियंट से. सबको आता है ना ये करना, तो इक्वेशन 2 को डी माइनस 4 से करेंगे. मैंने क्या किया बेटा, वाई को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए. y तभी एलिमिनेट होगा जब दोनों तरफ उसका कोफिशियंट बराबर होगा दोनों इक्वेशंस के अंदर. तो दोनों इक्वेशन में कोफिशियंट बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 के अंदर जो कोफिशियंट है y का उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 के अंदर जो कोफिशियंट है y का उसको इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो देखो ये क्या आएगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन को डी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो डी माइनस 1 इंटू डी माइनस दिस, डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 4, डी माइनस 1 ई टी. ठीक है बच्चों, फिर ऐसे सेकंड इक्वेशन को डी माइनस 4 से कर दो. तो डी माइनस 4 इंटू डी एक्स, डी माइनस 4 इंटू दिस आ जाएगा, और इधर आ जाएगा डी माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर 4t. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब जैसे इसे सॉल्व करते थे हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी कोफिशिएंट कटेंगे. इक्वेशंस को माइनस कर दिया, तो ये देखो ये दोनों प्लस माइनस होके बिल्कुल खत्म. अब ये क्या बच जाएगा, इसको सॉल्व कर लो. देखो पहले वाली ब्रैकेट खोली तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d माइनस माइनस प्लस 2, इसमें से ये वाली एक्सप्रेशन माइनस करनी है. तो ये क्या बनेगी, माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4d. माइनस का साइन है बेटा, ये ध्यान रखना. ठीक है, ये x का बन गया, और इधर क्या आ जाएगा आपका, डी माइनस 1 ई टी माइनस डी माइनस 4 ई टू दी पावर 4t. इसका d मतलब डी बाई डी टी, तो यानी कि यही हो गया ना, डी बाई डी टी. ठीक है, तो इसको मैं डिफरेंश, इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ दिस मैं लिख देती हूँ. पहली बार पूरा पूरा लिख लेते हैं, बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यू कैन स्किप दिस स्टेप एंड डायरेक्टली राइट डाउन. ये देखो, अब डी बाई डी टी ऑफ ई टी इज ई टी माइनस ई टी, ब्रैकेट खोल रही हूँ मैं और कुछ नहीं कर रही. ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 4e 4t माइनस माइनस प्लस 4e 4t. ठीक है ना, डी बाई डी टी ऑफ ई 4t इज 4e 4t. ठीक है, ये ठीक है, ये इससे कट गया, ये भी कट गया इससे, तो मुझे क्या मिल गया, जीरो मिल गया. और इधर से जो कट रहा है उसको भी काट लो. ये देखो ये इससे कट गया, मेरे पास बचा
ये देखो 3d इधर से और 4d, एक सिंगल d बच गया प्लस 2 बच गया, ठीक है, और x। तो मेरे पास जो सॉल्व करके इक्वेशन आ गई दैट इज d प्लस 2x इक्वल टू 0। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए ये d प्लस 2x इक्वल टू 0, अब एक सिंगल वेरिएबल रह गया। इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करनी है आप इससे पहले चैप्टर 4 में सीख चुके हैं। कैसे सॉल्व करते थे इसको? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करते थे हम, डी को एम पे ले जाते थे, तो हमारे पास आ जाता था एम प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको पता है एक्स नहीं लिखते थे यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन में, सिर्फ कोफिशेंट्स लिखते थे, तो एम प्लस टी इक्वल टू 0, तो एम क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, तो ये रूट आ गया आपका रियल रूट। तो इससे हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज डिनोटेड बाय क्या होगा, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, सॉरी अब ये इक्वेशन किसके अंदर है, एक्स के अंदर है डिपेंडेंट वेरिएबल इस समय, तो एक्स और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सी, ठीक है। ये क्या होगा, आपको मैंने सिखाया था जो भी रूट आ रहा है अगर रियल रूट आ रहा है तो उसको हम हमेशा ई की पावर में चढ़ाएंगे, तो ई टू दी पावर माइनस 2 आ गया, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो जैसे आपके पास अभी तक तो ये होता था ना डी बाई डी एक्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होता था, तो आप लिखते थे वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2x, बट अब आपके पास क्या है, ऑपरेटर डी बाई डी टी, तो हम क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, ठीक है। सब बच्चों को समझ आ गया, मैं दोबारा से बता देती हूँ, इससे पहले जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते आए चैप्टर 4 में, उसमें इक्वेशन इस तरीके से होती थी डी प्लस 2 वाई इक्वल टू 0, और डी ऑपरेटर होता था डी बाई डी एक्स, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता था और डिपेंडेंट आपका वाई होता था। तो आप सी एफ कैसे लिखते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू ई टू दी पावर जो भी आपका रूट आ रहा है वो लिखते थे, और साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते थे, तो हम ये लिखते थे, और क्योंकि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाता था तो हम साथ में कॉन्स्टेंट लगाते थे। बट अब हमारे पास सिचुएशन में क्या है, हमारा एक्स जो है वो तो बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल और टी बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैंने लिखा डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक कोफिशेंट डालना है कॉन्स्टेंट आपको, तो आपने डाल दिया ए, ठीक है। बच्चों समझ आ गया सबको कि हमने कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला है, यहाँ तक सी एफ। अब हमारे को निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो आपने देखा कि ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस है ना, क्योंकि राइट साइड जीरो है, अगर राइट साइड जीरो तो देर इज नो नीड टू फाइंड आउट दी पर्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है। तो हमारा यही जनरल सॉल्यूशन बन गया एक्स का, तो एक्स का जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या बन गया, अब मैंने ये सी हटा दिया क्योंकि पी मेरे एक्स पी है ही, तो एक्स मेरे पास आ गया ए ई माइनस 2t, वेयर ए इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कोई बच्चा ए की जगह सी वन सी टू कुछ भी यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको यूज करना है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो अब मेरे पास बात आती है कि क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ, अभी तो सॉल्यूशन मेरा नहीं निकला क्योंकि मेरे को वाई की वैल्यू तो मिली नहीं है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, ये देखो आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना हमारी दोनों, ये वाली 1 और 2, इनके ऊपर दोबारा आ जाओ एक बारी, ठीक है, इनके ऊपर दोबारा आएंगे, मैं इनको नीचे जरा दोबारा नोट करके दिखा दूंगी एक बारी। तो ये आ जाएगा डी माइनस 2, मैं दोबारा से ऊपर से इक्वेशन से लिख रही हूँ बेटा और कुछ नहीं कर रही हूँ, प्लस डी माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2, और दूसरी थी मेरी डी एक्स प्लस डी माइनस 1 वाई इक्वल टू ई टू दी पावर 4t, ठीक है, ये थी। अब देखो बेटा इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप ये देख रहे हो कि डी वाई और डी वाई दोनों टर्म इसके पास है, दोनों के पास डी वाई डी वाई है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, डी वाई माइनस 4y इक्वल टू ई टू दी पावर दिस डी, ये लिख सकते हैं ना हम इसको, अगर मैं इसमें से डी वाई को एलिमिनेट कर दूँ, ये देखो कैसे एलिमिनेट करूंगी, सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशंस, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, मेरे पास क्या बचा डी माइनस 2 माइनस डी एक्स, और इधर से क्या बचा माइनस 4y प्लस वाई, तो माइनस 3y, और इधर आ गया ई टी माइनस ई 4t, ठीक है बेटा, ये एलिमिनेट हो गया। तो इधर से क्या हो जाएगा एलिमिनेट, ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए, ये भी, तो माइनस 2x माइनस 3y, अगर डी एक्स बच भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास एक्स आ चुका है, हम उसको डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स निकाल लेते, ठीक है बेटा। यहाँ तक सबको समझ आ गया, मैं माइनस साइन को जरा एब्जॉर्ब करा दूँ, माइनस साइन से दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आएगा, ठीक है ये आ जाएगा। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गई, ये बात क्लियर हो गई है, चलिए अब यहाँ तक मेरे पास आ गया। अब आपको क्या निकालना था, हमें तो y निकालना है, तो हम y निकाल लेंगे यहाँ से, 3y इज इक्वल टू ई 4t माइनस ई टी माइनस 2x,
ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दो, e40 माइनस et माइनस 2, x तो मेरा ऊपर आ चुका, ठीक है, x मेरा ऊपर क्या आया था, e माइनस 2t, मैंने इसकी वैल्यू डाल दी 3y, तो मेरा y क्या आ जाएगा, e40 माइनस et माइनस 2ae माइनस 2t, और ये 1/3 से पूरा मल्टीप्लाई, ठीक है, सबको समझ आ गया, सो दिस बिकम्स माई सॉल्यूशन फॉर y, इज दैट क्लियर, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू हमारा क्या आया था ए ई माइनस 2t, और y मेरा क्या आ गया e40/3 माइनस et/3 माइनस माइनस प्लस 2/3 e माइनस 2t, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो दिस बिकम्स माई सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट, तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, लेट मी डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज एग्जाम्पल 7.4, ये क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 7.4, ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, फिर से आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं, अब आप फिर से देखेंगे कि x और y आपके क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और t क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप dy/dt की जगह पर ऑपरेटर d का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने लिख दिया लेट d इज इक्वल टू dy/dt, तो ये इक्वेशंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, देखो इधर 2 dy/dt की जगह पर डी कैपिटल d लिखा तो 2 dx, और इधर से ये क्या आ जाएगा, इधर देखो ये इसकी जगह पर आपने लिखा d, तो ये बन गया 2dy, ठीक है, एक सेकेंड, राइट, फिर ये है -3x इक्वल टू टी, तो मैंने यहाँ इक्वेशन लिख के दिखा दी, जहां मेरी पेंसिल है आप सब देख सकते हैं, ऑल राइट क्लास, फिर आगे देखिए 2dx/dt प्लस दिस है, इसको भी आपने ऐसे dy/dt की जगह पर कैपिटल d लिखकर ये इक्वेशन बना ली, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया x और y के कोफिशियंट इकट्ठे करके, तो मेरी ये इक्वेशन 1 और 2 बन गई, फिर वही काम करेंगे कि कोई भी एक वेरिएबल आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई बच्चा अगर x एलिमिनेट करना चाहता है तो x भी एलिमिनेट कर सकता है, अगर x एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2d+3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 2d-3 से करेंगे, मैं y को एलिमिनेट कर रही हूँ यहाँ पर, तो y के लिए y के कोफिशेंट्स इंटरचेंज कर लो, मल्टीप्लाई कर लो मतलब, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोफिशेंट 2d है तो उसको नीचे इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशियंट 2d+8 है तो उसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस माइनस साइन ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अकॉर्डिंगली इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जब मैंने ये काम किया तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई, अब आप ये देख सकते हो कि इधर लिखा है माइनस ये और ये, एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब दोनों ऐड करेंगे तभी जीरो जाएगा, ठीक है ना, अगर ऐड नहीं करेंगे माइनस कर दिया किसी बच्चे ने तो डबल हो जाएगी वैल्यू, तो हमने ये दोनों को काटना था क्योंकि y एलिमिनेट करना था, इसलिए हमने दोनों इक्वेशंस ऐड कर दी, ऐड करी तो ये कट गया, बाकी इसको और इसको सॉल्व कर लिया, देखो ऊपर वाले की ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा 4d² - 6d + 16d - 24, अब नीचे वाला ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा तो ये क्या बनेगा 4d² + 6d, तो वो ये आ गया, ये किसका कोफिशियंट बना x का, अब दूसरी वाली साइड पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2d + 8, मैं करके दिखा दूँ ये साथ में आपको, ये देखो साइड में करके दिखा देती हूँ आपको 2d + 8d है ना, लेट मी राइट डाउन 2d + 8t और प्लस कर रहे थे नीचे से 2d(2) ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये देखो 2d(t) मतलब डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 8t और इधर देखो 2d(2) मतलब डेरिवेटिव ऑफ ये है d/dt(2), क्या आएगा ये d/dt(2) जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है, कोई बच्चा इसे 4d मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि 4d लिखोगे तो खाली d का मतलब d/dt रह जाएगा, उसे कुछ मिला ही नहीं करने के लिए, ऑपरेटर को पहले लिखो ताकि ये पता चले आपको कि आपको किसको सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों यहाँ से 2 + 8t, राइट, लेट अस डू नाउ, अब आपने इसको जितना सॉल्व हो रहा था इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, आपको लास्ट में ये मिल गया, आप देख रहे हो 8 कॉमन निकल सकता है, मैंने 8 को निकाल लिया कॉमन, ठीक, अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, अब आप देख सकते हो ये क्या आई है, राइट साइड जीरो नहीं है तो नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, दूसरी बात ये जो बनी है जहां मेरी पेंसिल है ये क्या बन गई है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आपने इसमें निकाली तो ये क्या बनेगा m² + 2m - 3 = 0, ठीक है, आप सबको पता है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d को m ले लेते हैं, तो d को m लिया तो m² + 2m - 3 = 0,
सब बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं और रूट्स निकाल सकते हैं, तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके रूट निकाले, तो आपके दो रूट निकल कर आ गए, -3 और 1। ये दोनों क्या हैं, आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो इससे आप कैसे लिखेंगे, देखो -3 और 1 ये दोनों रूट्स आए। मैंने हमेशा सिखाया है कि जो रियल रूट आते हैं उसको e की पावर में चढ़ा लो, ठीक है। फिर किससे मल्टीप्लाई करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। आपका ऑपरेटर है d/dt, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया t, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, ऐसे लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके एड कर दो। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, एक्स था, तो आपका सॉल्यूशन आ गया x = this, ठीक है। अब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला है तो मैंने इसको लिख दिया xc = ae - 3t + be t। क्लियर हो गया सब बच्चों को, तो मैं दिखा देती हूँ ये वाला। मैंने a और b की जगह c1 c2 ले रखे हैं तो वो भी ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, राइट। अब हमें पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए जरा नॉन होमोजीनियस पार्ट तो देखें क्या है हमारे पास। तो हमारे पास है 1/4 + t। अब देखो आपको मैंने दो मेथड सिखाए हैं इससे पहले के चैप्टर्स के अंदर, एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और दूसरा सिखाया है यूसी मेथड, यानी कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। आपको पता है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो हर जगह लग जाता है, बट यूसी मेथड जो है किसी पर्टिकुलर राइट साइड पे ही लगेगा। तो यूसी मेथड किस पे लगता है, जब एक्स की कोई पावर हो, मतलब पॉलिनोमियल टाइप चीज हो, ठीक है। दूसरा साइन पे, कॉस पर और ई की कुछ पावर हो उस पे लगता है। तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल ही है ये 1/4 + t, तो इसमें हम यूसी मेथड बहुत आराम से लगा सकते हैं। यूसी मेथड ज्यादा इजी होता है, हम इसलिए उसी को लगाते हैं। तो लेट अस सी कि ये यूसी मेथड कैसे लगेगा। अब रिकॉल कर लेना सब बच्चे कि कैसे लगता है यूसी मेथड, अगर किसी को नहीं याद है तो पहले पढ़ के आएंगे अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स का प्रोसीजर, ठीक है। तो देखिए मेरे पास राइट साइड पर टर्म्स हैं, एक 1/4 और एक टी, तो मुझे इन दोनों के यूसी सेट लिखने हैं। तो मैंने S1 मान लिया यूसी सेट 1/4 का और S2 मान लिया यूसी सेट टी का। 1/4 तो कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट का यूसी सेट इज ऑलवेज 1, ठीक है, क्योंकि 1 से कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे वो वही कांस्टेंट ही रह जाता है, तो हम हमेशा 1 लेते हैं यूसी सेट ऑफ कांस्टेंट। टी का यूसी सेट क्या होगा, टी और उसके डेरिवेटिव्स। तो पहले तो टी लिखा, मतलब जिसका निकाल रहे हो पहले वो लिखोगे और उसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स जितने पॉसिबल हैं। अब टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, तो मैंने 1 लिख दिया। 1 का डेरिवेटिव लूंगी तो 0 आ जाएगा, इसलिए उसको लिखा नहीं। तो हम ये इसका यूसी सेट ये आ गया। फिर हम दो तीन चीजें चेक करते हैं कि S1 और S2 में कहीं कोई कॉमन वो तो नहीं है। तो आपने देखा कि S1 के पास भी 1 है और S2 के पास भी 1 है, इट मीन्स S1 इज फुली कंटेन्ड इन S2, तो दो बारी 1 1 नहीं लेंगे, एक ही बार लेना है हमें। तो हमने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया S1 को। तो हमारा यूसी सेट क्या रह गया, सिर्फ t, 1 रह गया, क्योंकि ये तो इसमें कंटेंट था तो S1 को हमने ड्रॉप कर दिया। तो हमारा यूसी सेट बन गया t, 1। फिर आपको ये भी चेक करना होता है कि ये टी और 1 कहीं ये CF का पार्ट तो नहीं है, कि जो हमारा ऊपर CF निकला कहीं इसके अंदर T की कोई टर्म और 1 की 1 मतलब कांस्टेंट, कोई अकेले कांस्टेंट टर्म तो नहीं आ रही है। तो आपने देखा कोई अकेली कांस्टेंट टर्म नहीं है और दूसरा T की कोई टर्म नहीं आ रही है, मतलब T² इस टाइप की कोई टर्म ना आ रही हो, मतलब AT ना होता यहाँ पे, ठीक है। अगर इस टाइप की टर्म होती तो फिर हमें इसको T से और मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब लीस्ट इंटीग्रल पावर्स ऑफ द इंटीजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसका क्वेश्चन भी कराऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा नहीं था, मतलब द टर्म्स ऑफ दिस यूसी सेट इज नॉट कंटेन्ड इन CF, देयरफॉर हमारा जो यूसी सेट है यही वाला फाइनल हो गया t, 1। तो अब मैंने अपना यूसी सेट फाइनल कर लिया t, 1, तो मेरा क्या आंसर आ गया। मैं अब टी और 1 का दोनों का डिपेंडेंट दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कैसे बनता है, जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना, दोनों को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो a + bt बन गया। अब क्योंकि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, मैं उसी का पर्टिकुलर इंटेग्रल निकाल रही हूँ, सो दिस इज इक्वल टू xp, मैं साफ लिख देती हूँ, xp = a + bt, ठीक है, ये निकल गया। अब मुझे क्या करना है, इसको जो है सॉल्व करना है, तो मैं अब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसीलिए इसको पहले ही निकाल लूँ। जरा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो a का 0 bt का b आ जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो 0 आ जाएगा। मैंने क्यों निकाले, क्योंकि मेरे को इसे कहाँ डालना है, जिसका ये सॉल्यूशन है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल रहा है ना मेरा, इसी वाले पोर्शन को सॉल्व कर रही थी 1/4 + t, तो जिसका ये सॉल्यूशन है उसी इक्वेशन में डाल दो, सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को मैं नीचे उतार रही हूँ और इसके अंदर x की जगह xp डाल रही हूँ, ठीक है, जो मैंने निकाला है। तो मैंने इसको ले लिया इसके अंदर, अब इसमें x की जगह पर आपने xp डाल दिया। xp क्या था मेरा, a + bt था, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो जरा
मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इंटू एक्स पी इज इक्वल टू 1/4 प्लस डी, ये है ना। तो ये बन गया डी स्क्वायर ऑफ एक्स पी प्लस 2d ऑफ एक्स पी माइनस 3 ऑफ एक्स पी इक्वल टू दिस। अब डी स्क्वायर ऑफ एक्स पी मतलब एक्स पी का सेकेंड डेरीवेटिव, डी ऑफ एक्स पी मतलब एक्स पी का फर्स्ट डेरीवेटिव, माइनस 3xp इक्वल टू 1/4 प्लस डी। अब एक्स पी डबल डैश क्या है, जीरो, तो मैंने जीरो डाल दिया। टू एक्स पी डैश क्या है, बी, तो बी डाल दिया। माइनस 3xp क्या है, ए प्लस बी टी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक सबको, यही लिखा हुआ है 2b माइनस 3a प्लस बी टी। ठीक है, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो। खोल दी ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट खोलने के बाद मुझे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो कांस्टेंट टर्म्स को वो कर दीजिए इक्वेट, और कोफिशिएंट ऑफ टी को कर दीजिए। तो टी का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस 3b, और टी का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1। तो बी की क्या वैल्यू आई, माइनस 1/3। इधर देखिए कॉन्स्टेंट टर्म्स क्या है, 2b माइनस 3a, और इधर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 1/4। तो 2b माइनस 3a को 1/4 के साथ इक्वेट कर दिया। ऊपर से जो b की वैल्यू निकली थी वो यहाँ डाल दी, और a की वैल्यू निकाल दी। अब ये जो a और b की वैल्यू आई है, ये xp में डाल दीजिए। ये था ना मेरा xp, xp क्या था, a प्लस बी टी, इसमें डाल दो, ये पर्टिकुलर इंटेग्रल निकल आया। क्लियर, तो ये आ गया मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो मेरे पास x क्या था, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, cf प्लस pi। cf मेरा ये आया था जो xc था, ये मेरा xc प्लस xp है। ठीक है, मेरा xp क्या आ गया था, a प्लस bt था ना, तो माइनस 11/36 माइनस ये मेरा xp है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिया, xc और xp को, तो मेरा x निकल आया। तो x तक का काम तो मेरा हो गया। ठीक है, मैंने dx निकाल लिया, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़नी है अभी आगे, आपको पता चल जाएगा, जब पता चलेगा तो आप वैसे खुद भी निकालोगे। तो x है, तो dx निकालने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो c1et का c1et आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, और t को किया तो कौन सा, और 11/36 का 0। तो ठीक है, ये निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू एलिमिनेट y, तो y को एलिमिनेट मतलब सॉरी, ये dy को ख़त्म करना है, ताकि मैं y की वैल्यू निकाल सकूँ। तो जो मेरी गिवन इक्वेशंस थी ना, वो ये दोनों थी। ठीक है, जो हमने जहाँ से क्वेश्चन शुरू किया था, वो दोनों इक्वेशन मेरी ये थी। उसमें आपने फिर से देखा कि dy की टर्म जो है आराम से कट रही है, तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड किया तो ये दोनों कट गई। ठीक है, आपको पता चल रहा है ना ये कहाँ से आई है, ये गिवन इक्वेशंस है जो क्वेश्चन में गिवन थी, जब हमने उसमें डी ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया था, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, राइट। तो ये वो वाली इक्वेशंस है, तो इसमें से 2dy और 2dy ये कट गए, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे निकालना है वाई। ठीक है, वाई निकालना है ना, पहले इसको सॉल्व कर लिया मैंने पूरा, मैंने इसीलिए dx निकाला था देखो यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे dx की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी। तो ये वाला जो dx है, ये वाला dx आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, और 8y इक्वल टू t प्लस 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके ना बेटा y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया पूरा, बाकी सारी टर्म उधर ले गए, y को इधर रख लिया, सॉल्व कर लिया आपने, तो ये आ गया आपके पास। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर y इक्वल टू दिस आंसर आ गया, इसके अंदर कोई भी ऑपरेटर नहीं है, तो आपका आंसर आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक तो x का जो ऊपर आया था वो लिखेंगे, और y की ये वैल्यू आ गई। वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आपके दो डिपेंडेंट वेरिएबल थे, आपके दो से ज्यादा आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने भी नहीं चाहिए थे, तो हमारे मैक्सिमम 2 आ सकते थे, तो हमारे 2 ही आए हैं, c1 और c2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की अभी और प्रैक्टिस करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास लेकर आऊंगी। टिल देन बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।